यूपी के बुलंदशहर में चल रहे अवैध हथियार बनाने के कारखाने पर छापामारी की गई। कोहरे तथा ठंड का लाभ उठाने वाले आपराधिक मामलों में लिप्त संदिग्धों के खिलाफ बुलंदशहर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध तमंचा बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर 5 तमंचे तैयार, 15 तमंचे अध बने और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। रेलवे लाइन के निकट ताजपुर के पास आम के बाग में अवैध तमंचा बनाने का कारखाना चल रहा था। पूरा मामला बुलंदशहर के कोत वाली देहात क्षेत्र के गांव ताजपुर का है। अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु जनपद भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिल है वो पकड़ा गया है। ये जंगलों में रेलवे लाइन के किनारे एक जगह पर अपनी फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसके पास से कुल 5 तमंचे 315 बोर के और एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। साथ ही कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।